अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पुराने ज़माने में अनाज के मेजरमेंट्स के लिए पॉट्स, बर्तन वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, और ग्रीक्स जो हैं वो और रोमन्स ज़्यादातर बीम बैलेंसेस का इस्तेमाल करते थे। बीम बैलेंस जो है वो आजकल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अक्सर जगह बहुत से इलाकों में ही बीम बैलेंस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं वो ज़्यादातर ग्रॉसरी और स्वीट्स की शॉप्स पर हमें देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स देते हैं बीम बैलेंस की निस्बत या फिज़िकल बैलेंस की निस्बत। बीम बैलेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसके दो पैन्स होते हैं। एक पैन में हम अननोन मैस रखते हैं और दूसरे में नोन मैस रखते हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो होता है नोन मैस, वो रखने से हम अननोन मैस जो होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये इतने प्रिसाइज मेजरमेंट्स हमें नहीं देता। ये अक्सर जो है ये रेडी वाले ही होते हैं, पतीसे वाले जो आते हैं उनके पास होते हैं, और वो उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एक पैन के ऊपर दूसरा पैन रख के वो एक जगह से दूसरी जगह लेके इसलिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे फिजिकल बैलेंस वगैरह होता है वो कैरी करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। फिज़िकल बैलेंस का ज़्यादातर इस्तेमाल लेबॉरटरीज में किया जाता है मुख्तलिफ मैसेज को मेजर करने के लिए। इस मेजर इस तरह करते हैं कि एक पैन होता है उसमें हम अननोन मैस रखते हैं और दूसरे पैन में हम नोन मैस रखते हैं, और इस तरह कंपैरिजन के ज़रिए हम मैसेज को मेजर कर लेते हैं। फिज़िकल बैलेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, एक लेवल होता है हमारे पास नीचे जिसको लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से लेवल किया जाता है, और वहाँ पे सेंटर में हमारे पास होता है अरेस्टमेंट नॉब। ठीक है, और एक बीम होता है और उसके दरमियान में लगे फलक्रम पर यह मुश्तमिल होता है, जिसके दोनों सिरों पर लगे हुक की मदद से एक एक पलड़ा जो है हम लटका सकते हैं, और दरमियान में हमें एक पॉइंटर दिया जाता है। पॉइंटर के साथ पिलर लगे होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और साथ में एक स्केल दिया जाता है जिसके ऊपर हमें रीडिंग्स शो होती हैं। फिजिकल बैलेंस में दो पैन्स होते हैं। लेफ्ट पैन में हम अननोन मैस रखते हैं जिसको हमने मेजर करना होता है, और राइट पैन में हम नोन मैस रखते हैं, एक स्टैंडर्ड नोन मैस। ठीक है, अगर तो जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे आ जाता है इस तरह, तो ठीक है, हमें इसकी मेजरमेंट पता चल जाएगी कि वो अननोन मैस जो है क्या है। अगर नहीं आता तो हम मज़ीद जो है स्टैंडर्ड नोन मैसेज रखते जाएंगे। जब पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगा स्केल पे, तो मीन्स के जो हमारी अननोन मैसेज है वो उन मैसेज के बराबर हैं जो नोन है। ठीक है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, नोन मैसेज। और इससे फिज़िकल बैलेंस में हम 250 केजी तक जो है मेजरमेंट्स कर सकते हैं। एग्जांपल 1.3 है हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय अ फिज़िकल बैलेंस। एक छोटे से पत्थर के टुकड़े की मास हमने मालूम करनी है फिज़िकल बैलेंस की मदद से। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो हम मास जो है वो मेजर कर सकते हैं फिज़िकल बैलेंस की मदद से। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो बैलेंस के प्लेटफॉर्म को लेवल करना है वो किस तरह करना है कि लेवलिंग स्क्रूज को प्लम लाइन की मदद से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अरेस्टिंग नॉब जो है उसको हमने क्लॉकवाइज सिमत में घुमा कर बीम को आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर कर लेना है, और जो हमारे पास पॉइंटर है उसको हमने स्केल पे ज़ीरो के ऊपर लेके आना है। ठीक है, बैलेंसिंग स्क्रूज की मदद से जो बीम के एंड पर लगे हुए हैं उसकी मदद से हमें क्या करना है कि जो हमारा पॉइंटर है उसकी पोजीशन को हमने ज़ीरो कर देना है स्केल के ऊपर। थर्ड स्टेप में हम फिर अरेस्टिंग नॉब को रोटेट करवा के उसको बीम को वापस रखेंगे, और जो हमारे पास जो स्टोन था उसको हम लेफ्ट पैन में रखेंगे उसकी मेजरमेंट के लिए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वेट बॉक्स जो हमारे पास होता है फिज़िकल बैलेंस के साथ, उसमें कुछ हमें स्टैंडर्ड मैसेज दिए गए होते हैं, उन स्टैंडर्ड मैसेज में से कोई एक मैस जो है हम अपने राइट पैन में रखेंगे और फिर बीम को उठाएंगे। अगर तो हमारा पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पर आ जाता है तो ठीक है, वो मैस जो है अननोन मैस जो है वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैस थी उसके इक्वल आ गई है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, बीम को वापस रखेंगे और अपने राइट पैन में मज़ीद स्टैंडर्ड मैसेज रखते जाएंगे तब तक जब तक हमारा पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पर ना आ जाए।
ठीक है, जब हमारा पॉइंटर जो है 0 पर आ जाएगा तो तब जो है हमारे पास अननाउन मैश थी, जो स्टोन था उसकी जो मैश है वो हमारे पास जो राइट पैन में पड़े हुए मैसेज थी स्टैंडर्ड मैश थी उसके इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस लिवर्स के सिस्टम पर मुश्तमिल होता है और इसमें एक स्केल दिया जाता है जिसके ऊपर पॉइंटर की मदद से हमें मैसेज का पता चलता है कि मैसेज इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। एक पैर में हम नाउन मैस रखते हैं और स्टैंडर्ड मैस होती है वो कोई, और दूसरे पैर में हम अननाउन मैस रखते हैं जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अगर तब पॉइंटर जो है वो 0 पे चला जाता है तो मीन्स बहुत मैसेज आ रही इक्वल, अगर नहीं जाता तो फिर हमें मजीद स्टैंडर्ड मैसेज रख के उसको बैलेंस करना पड़ता है। और ये लीवर बैलेंस भी हमें कोई इतने प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं देता। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो मार्केट में मुख्तलिफ रेंजेस में अवेलेबल होता है, जैसे कि मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। इससे मेजरमेंट करने से पहले हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसको स्विच ऑन करना है, उसके बाद हमने इसको 0 पे सेट करना है। ठीक है, 0 पे सेट करने के बाद हमने जो इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है उसको इसके अंदर रखेंगे और उसके मेजरमेंट्स फिर देखेंगे कि हमें मेजरमेंट्स इसकी क्या दे रहा है, क्या इसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये हमें पॉइंट्स में भी वैल्यूज देता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि एक ग्लास का केस होता है जिसके अंदर एक पैन रखा होता है, इस पैन के ऊपर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखना होता है जिसकी हम मेजरमेंट करना चाहते होते हैं और सामने हमें इसकी रीडिंग्स शो हो रही होती हैं और साथ एक स्क्रीज होता है, स्क्रू की मदद से हम इसको 0 पे सेट कर सकते हैं। दी मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, अब तक जितने हमने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उनमें से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमें कौन सा देता है। तो सबसे पहले देखते हैं बीम बैलेंस को। इसका फ़र्ज करते हैं कि बीम बैलेंस जो है एक सिक्के की मैस हमें देता है 3.2 ग्राम, तो एक सेंसिटिव बीम बैलेंस जो होता है वो 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक की मेजरमेंट्स हमें दे सकता है। इसका लीस्ट काउंट होता है बीम बैलेंस का 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। फिजिकल बैलेंस को देखें तो फिजिकल बैलेंस से अगर हम एक सिक्के की मैस मेजर करते हैं तो वो हमारे पास आएगी कुछ 3.24 ग्राम, तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो सेंसिटिव बीम बैलेंस से थोड़ी प्रिसाइज है। ठीक है, फिजिकल बैलेंस जो है वो हमें थोड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है सेंसिटिव बीम बैलेंस की निस्बत। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से अगर हमने एक कॉइन की मैस मेजर की थी तो वो हमारे पास आई 3.247 ग्राम, तो इसका लीस्ट काउंट बना 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये इसका लीस्ट काउंट है, स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें देता है बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस की निस्बत। अगर हम किसी जिस्म की मैस मेजर कर रहे हैं मुख्तलिफ बैलेंसेस में तो उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ होंगी। ठीक है, किसी में प्रिसाइज होंगी, किसी में नहीं होंगी। तो हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो मेजरमेंट्स हम करते हैं मुख्तलिफ बैलेंसेस से वो मुख्तलिफ होती है, वो सेम नहीं होती। अगर कोई ऐसा बैलेंस है जिसमें हम बहुत बड़ी मिकदारों को मेजर कर सकते हैं तो वो हमें प्रिसाइज मेजरमेंट्स नहीं। इसी तरह सेंसिटिव बैलेंसेस जो है उनसे हम लार्जर ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। बाज डिजिटल बैलेंसेस ऐसे हैं जो 0.001 ग्राम यानी 0.1 मिलीग्राम तक की मेजरमेंट्स हमें दे सकते हैं और ये ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं हमारे पास मैस मेजरिंग के हवाले से।